जैसा सुनीता ने आरंभ में ही कहा कि हर महीने में गणेश चतुर्थी का पर्व आता है, लेकिन संकष्ठी चतुर्थी, जिसको माघी चतुर्थी या तिल चतुर्थी भी कहते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका महत्व क्या है? देखिए, माघ मास की चतुर्थी तिथि को, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्ठी चतुर्थी कहा जाता है। इस तिथि को तिल चतुर्थी या माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की और चंद्र देव की उपासना करने का विधान है, नियम है। जो कोई इस दिन श्री गणपति की उपासना करता है, भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करता है, उसके जीवन के तमाम संकट टल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और संतान की प्राप्ति होती है, संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। यानी संकष्ठी चतुर्थी पर उपासना और आराधना से संकट कटेंगे, टलेंगे और संतान संबंधी, चाहे प्राप्ति की हो चाहे उन्नति की हो, संतान संबंधी जो भी बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर होंगी। इस बार संकष्ठी चतुर्थी का जो अवसर है वो 29 जनवरी को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। देखिए, संकष्ठी का मतलब है संकट नाशने वाली तिथि, संकटों का नाश करने की स्थिति। तो अगर आप भगवान गणपति गजानन की पूजा संकष्ठी चतुर्थी पर करते हैं तो इससे हर तरह के संकट का नाश होता है। संकट नाश करने की जो क्षमता है वो दो देवताओं के पास सबसे ज्यादा है, एक हनुमान जी के पास और दूसरा भगवान गणेश के पास। तो अगर आप संकष्ठी चतुर्थी पर भगवान गणेश की उपासना करेंगे, किसी भी तरह का संकट नष्ट हो जाएगा। संतान प्राप्ति और संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या संतान को लेकर के जीवन में कोई दिक्कत है, वो दिक्कत, वो समस्या समाप्त होगी। और संकष्ठी चतुर्थी पर विशेष उपाय करने से, विशेष प्रयोग करने से अपयश के और बदनामी के योग कट जाते हैं। हर तरह के कार्यों की बाधा दूर होती है। और अगर संकष्ठी चतुर्थी पर विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो धन और कर्ज संबंधी समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होता है। यानी किसी भी तरह का संकट हो, आयु से लेकर के धन का, कर्ज से लेकर के संतान का, हर तरह का संकट कट सकता है संकष्ठी चतुर्थी पर। संकष्ठी चतुर्थी पर भगवान गणेश की विशिष्ट पूजा होती है चंद्रदेव के साथ। क्या तरीका है उसका? प्रातः काल स्नान करके या दोपहर के पहले स्नान करके पूजा का संकल्प लीजिए कि मैं आज भगवान गणेश की पूजा करूंगा या करूंगी। दिन भर जलाहार या फलाहार ग्रहण करें। शाम के समय में भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें। भगवान को तिल के लड्डू, दूर्वा और पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देंगे और इस अर्घ में ध्यान रखेंगे कि चंद्रमा के दर्शन नहीं होने चाहिए, निगाह नीची करके चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा। भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें, बड़े सारे मंत्र हैं उनके, ओम गंग गणपतये नमः, वक्रतुंडाय हूम, ओम नमो भगवते लंबोदराय, बहुत सारे मंत्र हैं, उनका जप कर सकते हैं।
और उसके बाद जैसी आपकी कामना हो उसकी पूर्ति की प्रार्थना करें। जब आप चंद्र देव को जल दे देंगी या दे देंगे, उसके बाद भगवान गणेश की पुनः पूजा करेंगे, अपनी प्रार्थना करेंगे और जो तिल के लड्डू उनको अर्पित किए थे उसको प्रसाद के रूप में वितरण करेंगे। अलग अलग इलाकों में इसमें थोड़ी से परंपराओं में अंतर भी आ जाते हैं, लेकिन तिल के लड्डू या तिल की बनी हुई चीज़ें ही मुख्यतः भगवान गणेश को माघी चतुर्थी पर या संकष्टी चतुर्थी पर अर्पित किए जाते हैं। भगवान गणेश की ही पूजा आपको करनी है संकष्टी चतुर्थी पर, ताकि आपके संकटों का नाश हो। पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान गणेश के सामने बैठिएगा, उनके सामने घी का चौमुखी दीपक जलाइएगा, अपनी उम्र के बराबर लड्डू रखें, तिल के लड्डू हों तो बहुत अच्छा होगा, फिर एक एक करके सारे लड्डू चढ़ाएं और हर लड्डू के साथ भगवान गणेश का बीज मंत्र गंग गंग, ये एक एक लड्डू के साथ गंग गंग कहते जाएं, या अगर आपको पूरा मंत्र पढ़ना है तो हर लड्डू के साथ कहें ओम गंग गणपतये नमः। इसके बाद बाधा दूर करने की प्रार्थना करें, एक लड्डू स्वयं खा लें और बाकी सारे लड्डू बांट दें। संकष्टी चतुर्थी पर संध्या काल में अगर आप ये प्रयोग करें और भगवान गणेश से प्रार्थना करें तो आपका बड़े से बड़ा संकट, आपका बड़े से बड़ा कष्ट कट जाएगा। देखिए, स्यमंतक मणि की जो कथा है वो भगवान कृष्ण से संबंधित है। दो भाई थे, सत्राजीत और प्रसेनजीत, और उनके पास स्यमंतक मणि थी। भगवान कृष्ण से मिलने के लिए एक भाई गए और जब भगवान कृष्ण से मिलकर वो मणि अपने पास लिए हुए थे जब लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में शेर ने मार दिया और वो मर गए। बाद में शेर के पास वो मणि थी, शेर को मार करके जामवंत ने, उस काल में जामवंत भी थे, जामवंत ने उस मणि को अपनी गुफा में रख दिया। भगवान कृष्ण के ऊपर ये अपयश लगा, ये कलंक लगा कि उन्होंने उस भाई को मार करके वो मणि छीन ली है। तो भगवान कृष्ण को अब इस अपयश को दूर करना था तो वो जंगल में गए। पहले उन्हें शेर मिला, शेर के पैरों के निशान मिले और उसके बाद फिर एक भालू के पैरों के निशान मिले एक गुफा तक। वो गुफा के अंदर गए और जब वो मणि उठाने लगे, मणि वहाँ रखी हुई थी, तो जामवंत की पुत्री ने शोर मचाया तो जामवंत वहाँ आए और भगवान कृष्ण के साथ उनका लंबा चौड़ा मल्ल युद्ध चला, काफ़ी लंबा चौड़ा, कहते हैं 7 दिन तक युद्ध चला। और बाद में भगवान कृष्ण ने उनकी पीठ पर जब एक मुक्का मारा तो उन्हें मूर्छा आ गई, वो बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लिए और कहा कि प्रभु, आपने त्रेता में कहा था कि जब मैं आऊँगा अगले अवतार में तो तुम मुझे ऐसे पहचानोगे कि जब मैं तुम्हें मारूँगा और तुम मूर्छित हो जाओगे तब तुम पहचान जाना कि मैं वही हूँ। तो जामवंत ने उनके चरण पकड़ लिए, उनको स्यमंतक मणि भी दे दी और उनका विवाह अपनी पुत्री जामवंती के साथ करवा दिया। तो ये कुल मिला के स्यमंतक मणि की कथा है। अगर आप ये सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन का जो कलंक है वो आपके ऊपर नहीं लगता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।